और दिल्ली से बड़ी खबर है, 11 बजे चुनाव आयोग बैठक करेगा, आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करेगा। दोनों नए चुनाव आयुक्तों ने नया पदभार अब ग्रहण कर लिया है, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण मीटिंग आज रहने वाली है। पदभार ग्रहण करते ही आयोग की ये बैठक रहेगी, 11 बजे चुनाव आयोग ये महत्वपूर्ण बैठक करेगा। तो अब माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का भी ऐलान किया जा सकता है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर। सुशील पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, 11 बजे अहम बैठक रहने वाली है चुनाव आयोग की। जी हमको देखिए, साफ तौर से आज 11 बजे चुनाव आयोग की एक अहम बड़ी बैठक है, क्योंकि दो जो नए चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने पदभार अपना संभाल लिया है, और उस पदभार को संभालने के बाद आज मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ यानी कि राजीव कुमार के साथ चुनाव आयोग एक बड़ी बैठक करने वाला है। इस बैठक के बाद ये माना जा सकता है कि लोकसभा के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त आज चुनाव दो नए चुनाव आयुक्तों को अब तक की हुई तमाम तैयारियों का एक बड़ा खाका उनके सामने रखेंगे, और उसके बाद जब तीनों मीटिंग कंप्लीट कर ली जाएगी तो उसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी कि कब तारीखों का ऐलान किया जाए। हो सकता है कि चुनाव आयोग आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रेस रिलीज जारी करे, आधिकारिक घोषणा करे, या फिर मोस्ट प्रोबेबली कल इस पूरे मामले में तारीखों का ऐलान फिलहाल चुनाव आयोग कर सकता है, क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई हैं। केंद्र सरकार को पत्र लिखकर जितने अतिरिक्त सुरक्षा जवानों की मांग चुनाव आयोग ने की थी वो भी प्रक्रिया पूरी हो गई है, तो लगभग तैयारियां पूरी हो गई हैं, और 7 से 8 चरणों में लोकसभा चुनाव कराने की जो कवायद है वो चुनाव आयोग कर सकता है। तो ये माना जा सकता है कि आज और कल चुनाव आयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि अब ज्यादा दिन दूर नहीं है, क्योंकि तमाम राज्यों का दौरा चुनाव आयोग कर चुका है। जम्मू कश्मीर आखिरी राज्य था जो चुनाव आयोग ने आखिरी दौरा करके वहां के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की है, तो अब देखना है कि चुनाव आयोग कब आने वाले दिनों में लोकसभा की नई तारीखों की घोषणा करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुशील पांडे। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं।